जय हिंद दोस्तों, जय श्री श्याम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप खाटू श्याम कैसे जा सकते हैं, कहाँ पे आप रह सकते हैं, कहाँ पे आप रुक सकते हैं, आप बाय कार कैसे आ सकते हैं, बाय फ्लाइट कैसे आप आ सकते हैं, कैसे आप दर्शन कर सकते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था आपको यहाँ पे मिलेगी, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। पहली चीज, खाटू श्याम कहाँ पर है। खाटू श्याम राजस्थान के सीकर जिले के खाटू में है, जो जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि जब आप हर जगह से हार जाएं तो आप यहाँ आएं, आपके सारे अधूरे काम यहाँ पूरे हो जाते हैं। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहां का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रिंगस है। आप यहां डायरेक्ट भी आ सकते हैं, प्लस आप जयपुर स्टेशन से भी डायरेक्ट यहां पर आ सकते हैं। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो बस से भी आप यहां आ सकते हैं। जयपुर से ये 80 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, जो आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड पर ड्रॉप करेगी। गाइस, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, आप वहां से बस या टैक्सी में खाटू श्याम तक आ सकते हैं। कुछ लोग तो यहां अपनी कार से भी आते हैं, तो बस स्टैंड में बहुत ही अच्छा पार्किंग एरिया है, जहां पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। और उसी के आसपास आपको बहुत सारे धर्मशाला और होटल्स भी मिल जाएंगे, जहाँ आप 800 से 900 रुपए के अंदर आराम से होटल या रूम लेके वहाँ रह सकते हैं। तो अब बहुत ही प्यारा सफ़र ख़त्म करते हुए चलते हैं अपन खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो द्वार आप देख रहे हैं, इसे हम तोरण द्वार भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे बैकुंठ द्वार भी कहा जाता है। आप यहाँ जब भी आएंगे, यहाँ आपको भक्तों की भीड़ हमेशा ही दिखेगी। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिलेगी, बहुत ही बड़ा मार्केट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं। मेनली यहाँ मैंने देखा है लोग फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं, झंडा लेके जाते हैं। अब हम बात करेंगे मंदिर के टाइमिंग की। क्या ये मंदिर हमेशा ही खुला रहता है या कभी बंद भी होता है? तो दोस्तों, मंदिर की खुलने की एक फिक्स टाइमिंग है। ये मॉर्निंग में 5:30 बजे खुलता है और आरती होने के बाद 1 बजे बंद भी हो जाता है। फिर ये शाम को 4 बजे खुलता है, 10 बजे ये बंद भी हो जाता है। प्लस सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण 24 घंटे द्वार खुले रहते हैं। जैसे ही आप तोरण द्वार से अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ही बड़ी मार्केट दिखाई देगी, जहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, और जो भी आपका मन है आपको चढ़ाना है आप चढ़ा भी सकते हैं। प्लस माना भी जाता है कि यहाँ आप अगर कोई भी इच्छा है, कोई भी चीज़ आप मांगते हैं, तो यहाँ पे वो पूरी भी होती है। दोस्तों, जैसे ही आप एंट्री पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगी। यहाँ आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और जो जो यहाँ आना चाहता है वो कमेंट में जय श्री श्याम लिखते चलिए। गाइस, खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से है। इनका दूसरा नाम बर्बरीक है। बर्बरीक 5 पांडव में से भीम जी के पोते और घटकोत्कच जी के पुत्र थे। महाभारत में युद्ध में जब श्री कृष्ण जी ने इनसे पूछा कि आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ना चाहोगे, तो इन्होंने बोला कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। पर कृष्ण जी जानते थे कि ऐसे तो युद्ध खत्म ही नहीं होगा, तो उन्होंने साधु का रूप लिया और भिक्षा मांगने आए, और उन्होंने भिक्षा में उनसे उनका सिर ही मांग लिया। बर्बरीक भी बहुत दानी थे, तो उन्होंने अपना सिर उन्हें दान कर दिया। इस बड़े बलिदान से खुश होकर कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में आप मेरे श्याम नाम से जाने जाएंगे, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा आपकी यश और प्रसिद्धि भी बढ़ती जाएगी। आपके पास आया व्यक्ति कभी निराश होकर नहीं जाएगा, और आप अपने भक्तों का भाग्य भी बदल सकेंगे। दोस्तों, इसी खाटू गांव में उनका सिर अवतरित हुआ था। अब ये जानने के बाद हम चलेंगे श्याम जी के कुंड में। दोस्तों, ये कुंड को बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। इस कुंड में नहाने से आपकी बॉडी
और स्किन रिलेटेड सारी बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। और ये भी माना जाता है कि जो स्त्री को संतान नहीं हो रही, वो अगर इस कुंड में नहाती है तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। आप यहाँ और भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे हनुमान जी, शिव जी के भी दर्शन कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि बेस्ट टाइम यहाँ आने का क्या हो सकता है, मतलब कि आप किस समय यहाँ पे आएंगे तो आपको अच्छे से दर्शन मिल जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो पूरे साल ही भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, पर यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होली के पहले जो मेला लगता है उसमें होती है। दिवाली, दशहरा में भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अप्रैल से अक्टूबर यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम रहता है, बेस्ट समय रहता है। ये सवाल उठता है कि हमें यहाँ दर्शन के लिए कितनी रात रुकना पड़ेगा। यहाँ आप दर्शन के लिए एक रात के लिए भी रुक सकते हैं, इतने में आप दर्शन आराम से कर सकते हैं। अब सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या बजट होना चाहिए, किस बजट में हम यहाँ आ सकते हैं, रुक सकते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, वो सब मैं आपको अब बताती हूँ। अगर आप 2-3 लोग यहाँ आते हैं और 2 दिन 1 रात यहाँ रुकते हैं तो आपको 1200 से 1500 पर पर्सन का खर्चा आएगा, प्लस ट्रेन टिकट। इतने बजट में अच्छे से आप कर सकते हो। खाना खाने के लिए यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे होटल और रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जहाँ आप 100 रुपये पर थाली देकर आराम से खाना खा सकते हैं। यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी रहता है। गाइस, मैंने यहाँ के बारे में आपको सब कुछ बताने की कोशिश की। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको तुरंत रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप लोग खुश रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए।